जिस घर में कोई औरत या लड़की रोती है उस घर पे कुछ ऐसे अजाब नाजिल होते हैं जो घर वाले समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर ये किसी लड़की या हमारी बहू या हमारी सास इनमें से किसी के रोने का नतीजा है कि हमें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह एक ये हुआ करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने मज़लूम की हाय से बचने का हुक्म फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मज़लूम की हाय से बचो, लेकिन कुछ घरों में लड़कियां औरतें इतना पिस रही होती हैं और वो किसी से कुछ कहती नहीं है। जो बदतमीज़ किस्म की लड़कियां होती हैं वो तो कह लेती हैं, सुन लेती हैं, अपने शौहर से भी कह लेती हैं, सास से भी कह लेती हैं, ऊंची आवाज़ में बात भी कर लेती हैं, अपनी भड़ास भी निकाल लेती हैं। लेकिन जो बेचारी मासूम बच्चियां होती हैं, जो सीधी और शरीफ घर की लड़कियां होती हैं, वो फिर किसी से कहती नहीं है। और फिर उस पर सोने पर सुहागा ये हो जाता है कि जो उसका शौहर होता है वो भी फिर उसके ऊपर ख़तरनाक तरह से पूरी फुल कसौटी रखे होता है और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता है। वो बेचारी अंदर ही अंदर घुटा करती हैं। फिर शौहर को जब ये परेशानियाँ आती हैं, वो अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं, पूरा पूरा घर मुसीबतों में परेशान हो जाता है, तो फिर वो तावीज़ और गंडे को पीछे भागती हैं कि भाई तावीज़ करा दो, किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाज़ औरतों को ये कहते हुए सुना है कि जब से हमारी बहू आई है, जब से हमारे घर में नहुसत छा गई है, क्यों? क्योंकि वो पता नहीं क्या हो गया है, हमारे कारोबार में बरकत ही नहीं रहती है, हमारे लड़के के काम में कोई बरकत ही नहीं है। याद रखो, जो उसके आने की वजह से आपको लग रहा है ना कि ये आपके घर में नहुसत आ गई है या आपके घर में ये फला 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 मुसीबत आ गई है, याद रखो ये मुसीबत उसके आने की वजह से नहीं आई है, बल्कि ये परेशानी और ये मुसीबत उस औरत के रोने की वजह से आई है। जो वो घुट 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 कर रह रही है ना, अंदर ही अंदर घुट रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, ना वो किसी से कह सकती है, ना किसी को बता रही है, तो वो ये इसका नतीजा हुआ करता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मज़लूम की हाय से बचो। जिस पर जुल्म किया जाए ना, वो जुल्म का मतलब ये नहीं है कि जिसको मारा जाए, कूटा जाए, परेशान किया जाए, बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाएँ, वही मज़लूम है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोई इतना ज़्यादा मजबूर है, कोई इतना ज़्यादा मजबूर है कि कोई बीवी इतनी ज़्यादा अपने शौहर के आगे मजबूर हो चुकी है कि वो कोई अच्छी बुरी बात शौहर से नहीं कर सकती, या वो अपने ससुराल वालों में किसी के सामने कोई अपनी बात नहीं रख सकती, अब उसको शौहर टॉर्चर कर रहा है, शौहर किसी बात से उसको तकलीफ़ दे रहा है, वो तो मजलूम हो गई, अब उसके ऊपर जुल्म हो गया, चाहे वो एक मच्छर के पर के बराबर ही क्यों ना हो इंसान का जुल्म हो, वो अगर किसी पर जुल्म करेगा कयामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें बयान फरमाई हैं, एक हुकूकुल्लाह जो अल्लाह के हक है, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान, ये सारे चीज़ें हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के हक। हुकूकुल इबाद जो बंदों के हक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे अहम है वो वालिदैन और बीवी के हक हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, इंसान अक्सर वालिदैन की तो फरमा बरदारी करता हुआ नज़र आता है, खिदमत भी करता हुआ नज़र आता है, लेकिन बीवियाँ पिस रही होती हैं, क्यों? क्योंकि शौहर जो होता है, लड़का जो होता है, वो अपने पूरे घर वालों को ले के चलता है, तो उसकी माँ बुरा ना माने, उसकी बहनें बुरा ना माने, तो ये इस वजह से कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि दो जोरू का गुलाम है, तो वो ये सोचता है कि यार अगर हम इससे इस तरह से बात करेंगे, इससे ऐसे रहेंगे, तो कहीं हमें ये ना कहा जाने लगे कि जोरू का गुलाम है। तो हमेशा याद रखो, आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस को जहन में रखो, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, हज़ारों सहाबे किराम सामने मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाज़ फरमा रहे थे, नसीहत कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। एक शख्स ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस से है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बीवी आयशा से है। तो ये बीवी से मोहब्बत करना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जबकि अरब के अंदर बीवियों से मोहब्बत करना ऐब समझा जाता था, उसके बाद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के मजमे में ये इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बीवी आयशा से। तो आज जुल्म व सितम के पहाड़ हम बीवियों पर तोड़ते हैं, कोई बहन अपने माँ बाप के सामने आके घुटती जा रही है, कोई कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के सामने घुट रही होती हैं, तो ये जो उनके आँखों से आंसू निकल रहा है ना, आपको इसकी अहमियत नहीं पता है, लेकिन खुदा की कसम अगर कोई औरत या बच्ची मजलूम है, उस पर जुल्म किया गया है, तो फिर उसकी एक आह से फरिश्तों में कोहराम मच जाता है। ऐसे ऐसे दसियों अजाबात उनके घरों में नाजिल होते हैं जिनको वो घर वाले समझ भी नहीं सकते कि ये इतना बड़ा हमें भुगतान भुगतना पड़ सकता है सिर्फ इसके रोने की वजह से। लेकिन रोना ये नहीं कि वो बिला वजह में रोने वाली, बिला वजह में नहीं, यानी कि कोई वजह हो। और अच्छा, बिला वजह में तो खैर कोई रोते ही नहीं, बिला वजह में ऐसा कौन होगा जो खुद से रोने बैठ जाए, कोई ना कोई तो उसको दिल को तकलीफ होती है किसी ना किसी तरह से, तो वो परेशान होती है। तो खुदारा
आपसे बड़ी मुद्दबाना हमारी दरख्वास्त है कि आप अगर अपने घर के मुआशरे का सुधार कर लेना तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, तमाम अज़ाबात से हिफाजत फरमाएगा, तमाम अल्लाह की तरफ से उतरने वाली जो सज़ाएँ और अज़ाबात और नहुसतें होती हैं इंशाअल्लाह ताला पूरा घर फिर उन नहुसतों से महफूज रहेगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद की पामाली है। अगर इंसान हुकूकुल इबाद की पामाली करता है तो क़यामत के दिन उसको बहुत सख्त हिसाब देना पड़ेगा, जिसकी नौसतों का सामना वो इंसान दुनिया के अंदर करता रहे।